ओके तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, कब मिलता है, किसको मिलता है, क्यों दिया जाता है और इससे हम क्या क्या यूज मतलब किस किस टाइम पे इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि क्या प्रोविजनल सर्टिफिकेट लाइक SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के जगह पे भी काम आ सकता है, तो इसका जवाब है नहीं, वो अलग डॉक्यूमेंट है। SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अलग डॉक्यूमेंट है। अगर आपको SLC के बारे में नहीं पता है तो मैं डिस्प्ले पे थंबनेल दिखा देता हूँ और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है कि SLC क्या होता है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं जाके, और उसका यूज वगैरह कहाँ होता है वो सारा मैंने उस वीडियो में बताया है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में, जिसको PC भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो आप लोग को जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो कब मिलता है, क्यों मिलता है, इसका यूज क्या है और जो है ये हमें कहाँ से दिया जाता है, ये भी एक प्लस पॉइंट होता है कि कहाँ से मिलता है, कॉलेज से या फिर स्कूल से। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये आपको स्कूल से भी मिलता है और कॉलेज से भी मिलता है। बहुत सारे बच्चे जिनको पता होगा उनको पता है कि कब मिलता है, तो क्लास 10th जब आप पास आउट होते हैं तब भी आपको दिया जाता है और क्लास 12th मतलब इंटरमीडिएट पास आउट होते हैं तब भी दिया जाता है। अब बात आती है प्रोविजनल सर्टिफिकेट का यूज होता है तो होता है कहाँ, बहुत सारे बच्चे को नहीं पता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में। तो जान लीजिए कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट में एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी है जिसको हिंदी में औपबंधिक प्रमाण पत्र भी बोला जाता है, और इसका यूज जो है कहाँ कहाँ होता है हम वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो बच्चे इग्नोर करते हैं, उन सभी के लिए इसका वीडियो का कोई भी मायने नहीं है। जो बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान रखते हैं या फिर इन फ्यूचर अपने डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या क्या सर्टिफिकेट का वैल्यू क्रिएट कर सकता है, मतलब कि क्या प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है SLC का काम कर सकता है, क्या प्रोविजनल सर्टिफिकेट एडमिट कार्ड का काम कर सकता है, क्या प्रोविजनल सर्टिफिकेट मेन सर्टिफिकेट का काम कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जवाब है सिर्फ और सिर्फ मेन सर्टिफिकेट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट का यूज आप एज ए मेन सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है, जिसको मूल प्रमाण पत्र बोला जाता है, जो आपको मेन सर्टिफिकेट आता है 2-3 महीने के बाद, जो कि पहले ये रूल था कि 2-3 साल लग जाता था आपका सर्टिफिकेट आने में मेन सर्टिफिकेट, लेकिन अब जो है 3 महीने में आ जाता है आप लोगों का मेन सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि आपको ये दर्शाता है उसमें कि आप क्लास 10th पास आउट हो चुके हैं, किस स्कूल से हुए, कॉलेज से हुए, किस डिवीजन से हुए, ये सभी चीज़ उसमें होता है, वो सर्टिफिकेट आता है, सभी बच्चों को पता है, ठीक है। और उसके उस सर्टिफिकेट क्या होता है इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, थंबनेल मैं दिखा देता हूँ और इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। तो सर्टिफिकेट की जगह पे आप लोगों का जो है कुछ समय के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट यूज में आता है, लेकिन SLC मार्कशीट एडमिट कार्ड इस सभी के जगह पे आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट का यूज नहीं कर सकते हैं। अब बात आता है कि जो मेन सर्टिफिकेट है उसके जगह पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट का यूज कैसे होगा और क्यों होगा। देखिए अगर जो आपका मेन सर्टिफिकेट है वो आने में 3 महीने का टाइम है, ठीक है, मैक्सिमम 3 महीने है, और इसी बीच में अगर आपको कहीं पे जॉब मिल रहा है, कहीं पे आपको ऐसा जॉब का ऑफर आ गया कि भाई क्लास 10th पास आउट या फिर 12th पास आउट बच्चे को जो है यहाँ पे, तो किसी भी जॉब को ज्वाइन करने के लिए जो है वहाँ पे आपको अपना कुछ प्रूफ देना पड़ता है, जिसमें आप लोगों को ये साबित करना होता है कि हम क्लास 10th या फिर 12th मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट पास आउट है। बट उसमें रिक्वायरमेंट होता है आपका सर्टिफिकेट का, जो कि आप लोगों को मैंने बताया कि 3 महीने में बन के आता है, लेकिन आपको जो है जॉब मिल रहा है 3 महीने के अंदर और आपको सर्टिफिकेट आने में टाइम है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट का हेल्प लेना पड़ेगा, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट लाइक आपके जो है मेन सर्टिफिकेट के वैल्यू के बराबर होता है, वो भी आप उसको भी दे सकते हैं अपने मेन सर्टिफिकेट की जगह पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट को। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि भाई ऐसा क्यों, बिहार बोर्ड में ये रूल्स क्यों लागू है, इस तरीके का क्यों बनाया गया है। देखिए मेन सर्टिफिकेट आने में टाइम लगता है और बिहार बोर्ड इस बात को समझता है और इसी के लिए जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी बच्चे को दिया जाता है, कब, जब वो मार्कशीट SLC CLC या फिर जो SLC होता है उसके साथ मार्कशीट जो मिलता है आपको क्लास 10th में, उसी टाइम आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, साथ में दिया जाता है, या फिर आप अगर कॉलेज से जा रहे हैं निकल रहे हैं तो CLC मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है इसी काम के लिए, कि इन केस अगर आपको जो आपका मेन सर्टिफिकेट है वो आने में टाइम लगे और आपको कोई ऐसा काम है जिसमें आपको जो है मेन सर्टिफिकेट की जरूरत है, तो आप वहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट देके भी आप अपना काम करवा सकते हैं और बता
सकते हैं कि हमने जो है इस ईयर पास किया है और मेरा मेन सर्टिफिकेट आने में अभी टाइम है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई कन्फ्यूजन डाउट क्वेरीज है नीचे कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल किसी हेल्प के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।